भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सुलझा हुआ वही है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहराता। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। बीते कल वो आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, क्योंकि जो भी होता है अच्छा ही होता है। इसलिए बस वर्तमान का आनंद लीजिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं रख सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं रखनी चाहिए। अपने अनिवार्य कार्य कीजिए, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से ज्यादा बेहतर है। जुबान से माफ करने में वक्त नहीं लगता, परंतु दिल से माफ करने में सारी उम्र लग जाती है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बिता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। स्वार्थ बड़ा ही बलवान होता है। इसी कारण जीवन में मित्र कभी कभी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र बन जाते हैं। हर कोई दुनिया बदलने की सोचता है, पर कोई खुद को बदलने की नहीं सोचता। लोग चाहते तो है कि परिवर्तन आए, परंतु दूसरों में। कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सृजन में ही व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया आप कर सकते हैं, इसी में जीवन की सफलता है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को हमारे मित्र और शत्रु बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपकार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया की सबसे वजनदार चीज है मतलब, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। कि क्या करोगे अब मेरे पास आकर, तुमने मुझे खो दिया है बार बार आजमा कर। कोई भी दुनिया वाला आपको धोखा दे सकता है, मगर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वो डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब तुम्हें चलना ही है अपने पैरों पर। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही कभी गलत नहीं होता। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तहान सबसे ज्यादा लेती है। भूल जाते हैं वो लोग हमें, जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भुला देते हैं। कमियां तो मुझ में भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेते हैं। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, और तुम लोगों से उम्मीद लगा कर बैठेंगे। जब वक्त और हालात दोनों साथ ना दे तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात नहीं। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है।
रास्ते कैसे भी हो, बस आपको पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। इंसान को मरने से डर नहीं लगता, बल्कि मर मर के जीने से डर लगता है। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर व अंदर से मजबूत बना देता है। अच्छे कर्म करते रहिए, सदा खुश रहिए, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए।